नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुष करुणो ब्रुणीते यद्यचनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्त्री। बोल नरसिंह भगवान की जय। हे नरसिंह भगवान, अविदुष जन मने अज्ञानी जन प्रभु आपको सेवा पूजा करते हैं, इसका अर्थ आप ये मत लगाना कि जो पूजा करता है वह अज्ञानी है। यहाँ टीकाकार भाव देते हैं, भगवान को छोड़ करके ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम सब अज्ञानी हैं। अब बेटा चाहे जितना विद्वान हो जाए, बाप से तो बड़ा नहीं होगा। चेला चाहे जितना विद्वान हो जाए, गुरु से तो बड़ा नहीं होगा। भगवान का ही ज्ञान अखंड है, बाकी सबका ज्ञान खंड ज्ञान है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं ब्रह्मादि पर्यंत अविदुष जन अज्ञानी प्रभु आपकी पूजा करते हैं, और वह आपको जो जो देते हैं करुणो गुणीते, आप करुणा से उन सब वस्तुओं को स्वीकार करते हो प्रभु। सुन सीतापति सील स्वभाव, यही भगवान का सील स्वभाव है। भगवान को प्रेम से कोई कुछ भी दे, भगवान करुणा में भर करके उसके उस वस्तु को स्वीकार करते हैं। करुणो गुणीते, इसी भाव के कारण भगवान ने सबरी के यहाँ जाकर के झूठे फल खाए। करुणो गुणीते, इसी भाव के कारण भगवान विदुर के यहाँ जाकर के महाराज साग खाया। ये कथा आप जानते हैं। एक बार भगवान पांडवों के यहाँ शांति दूत बनकर के आए कौरवों के पास। पांच पांडवों के शांति दूत बनकर के भगवान आए। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांच पांडव कहीं तो रहेंगे, पांडवों को रहने के लिए तू पांच गांव दे दे। दुर्योधन तो देने ही वाला था पांच गांव। शकुनी ने कह दिया, भांजा इस छलिया इस कपटी के बातों में मत आना। पांच गांव मांग रहा है, कभी मोहिनी बन जाता है, कभी नरसिंह बन जाता है, छोटा सा बामन बन के आया था बलि के द्वार में, सब छल के ले गया। आज पांच गांव मांग रहा है, तू संकल्प कर लेगा पांच गांव देने के लिए, और जब देने का समय आएगा हजार साल पुराना नक्शा निकालेगा, ये पांच गांव के जगह सब ले लेगा, इसके चक्कर में मत पड़। दुर्योधन ने कहा, सूच अग्रेन दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और आज्ञा दे दी, बंदी कर लो इस ग्वाले को। भगवान का भयंकर प्रचंड ऐश्वर्य प्रकट हो गया। दुर्योधन घबराने लगा, बोला, प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया, मेरे महल में 56 भोग लगे हैं, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। भगवान ने दुर्योधन के आतिथ्य को तिरस्कार किया, बोला, दुर्योधन ना तेरे भीतर मेरे प्रति भाव है, और मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, मैं भाव का भूखा हूं, और ना तेरे भीतर कुछ प्रभाव मुझे दिखता है, और ना मेरे यहाँ कोई अभाव है। लक्ष्मी सेवा करती है जो मैं तेरे यहाँ भोजन करूं। विदुर जी भी वहां आए थे, उस समय विदुर जी राज सत्ता का त्याग कर चुके थे, दुर्योधन ने अपमान किया, छोड़कर के विदुर जी जा चुके थे। हरिद्वार में
गंगा जी के किनारे एक कुटिया बनाकर के विदुर रहते थे। आज भी विदुर कुटी है। भगवान ने विदुर जी को आंखों आंखों में इशारा कर दिया, बोले काका मैं पहुंच रहा हूं घर, आप जल्दी पहुंचो। भगवान के पास रथ था, सैप्य सुग्रीव बलाहक आदि घोड़े जचे हुए थे, दारुक सारथी विद्यमान था। प्रचंड नंदी घोष रथ में बैठ करके भगवान विदुर जी के यहाँ पधारे और विदुर पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। घर में कोई नहीं था, केवल विदुराइन घर में थी। भगवान ने द्वार पीटा, बोले काकी काकी, भाग्यशाली है वह जिनके कानों में भगवान का शब्द पड़ता है प्यारे। मृतक जियावनी गिरा सुहाए, श्रवण रंद्र वै उर जब आए, रुष्ट पृष्ट तन सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। अगर भगवान की वाणी मुर्दे के भीतर पड़ जाए ना, मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ऐसा माधुर्य हमारे ठाकुर के वाणी में है। जैसे ही विदुराई ने सुना काकी काकी शब्द, मेरे माधव आ गए, मेरे गोपाल आ गए, मेरे गोविंद आ गए, भागी विदुराई ने। और जैसे ही द्वार खुला है, साक्षात गोविंद द्वार में खड़े हैं। भाव में भर गई विदुराई ने, प्रेम में भर गई, हाथ पकड़ के भीतर ले गई। एक चौकी के ऊपर भगवान को बिठाया, स्वयं नीचे बैठी। भगवान बोले काकी बहुत भूख लग रहा है, कुछ खाने को दे, कुछ तो पवा, कुछ तो जीवा। विदुराइन बोली हे नाथ, मेरे घर में है क्या, मैं आपको दूं। छीके में कल के बासी केले रखे हुए थे, विदुराइन ने उस केलों को उतारा और भाव छिलका तो उतारती, भगवान के हाथ में दे देती और केले का फल नीचे डाल देती। भगवान के हाथ में छिलका दे देती और भगवान छिलका खा रहे हैं। कितने छिलके खिला चुकी थी विदुराइन। विदुर जी वहां पहुंचे और जैसे ही देखा कि मेरे ठाकुर छिलका खा रहे हैं, बोले अरे विदुराइन तू बावरी है गई, तू पागल हो गई। जिस ठाकुर को यशोदा माखन मिश्री खिलाती वह भी उनको नहीं रुचता, तू उन्हें छिलका खिला रही है। बोले माधव गोविंद, ये विदुराइन तो बावरी है, आप तो मना कर सकते थे कि नहीं कि काकी छिलका कोई खाने की वस्तु है, वो खिला रही थी आप खा रहे थे। भगवान बोले काका, खिलाते समय ना काकी को होश था और खाते समय ना मुझे होश था, वो प्रेम में खिला रही थी, मैं प्रेम में खा रहा था। विदुर जी ने बोला लाला मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, भतुआ का साग, भतुआ मिट्टी के हंडी में बिना नमक का भतुआ का साग बनाया, कदली के पत्र के ऊपर भगवान को अपने गोद में बिठाया और भतुआ का साग अपने हाथों से विदुर जी भगवान को खिलाते। खाते समय ठाकुर जी कभी मुंह यूं, कभी नाक सिकुड़ देते। विदुर जी बोले लाला जय जय, क्या साग में स्वाद नहीं है, क्या मुझ में भाव नहीं है, क्या आपके भीतर भूख नहीं है, प्रभु आप प्रेम से भोग नहीं लगा रहे हो। ठाकुर बोले काका स्वाद साग अत्यंत सुमिष्ट है, आपके भीतर भाव भी है और भाव को देख करके मुझे भूख भी लगता है, पर सच बताऊं जो स्वाद काकी के छिलके में था ना, वह स्वाद इस साग में भी नहीं है। विदुर जी बोले प्रभु विदुराइन जैसा भाव मैं कहां से लेकर के आऊं। ठाकुर जी कुछ समय विदुर की गोद में बैठ करके सो गए। इसे ही कहते हैं करुणों गुणीते, भक्तों के पदार्थों को भगवान करुणा से स्वीकार कर लेते हैं। इसी भाव को सूरदास ने गाया, आहा दुर्योधन के मेवा
पीते पढ़ो वृंदावन ऐसो प्रीत पढ़ो वृंदावन ऐसो प्रीत पढ़ो दर्शन करके आप सब जाइएगा भाव से सब आरती का दर्शन करें।